नमस्कार डीवी टाइम को स्वागत करुछी मु गायत्री। ओबीसी संरक्षण प्रसंग रे ट्विटर वार आरंभ जैछि। केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कड़ा जवाब दैछन्ते बीजेडी सांगठनिक संपादक प्राण प्रकाश दास। जो कथा से उल्लेख करछन्ते से कथा भितरे किछि गुरुत्वपूर्ण पॉइंट्स रहिछि जहाँ पर आम नजर पकेबा। से कहिछन्ते मध्यप्रदेश कथा मने पकाइ काठगड़ा को टाणिछन्ते से धर्मेंद्र प्रधान को आ राज्यसभा को सेठी को सेठारु से जाइछन्ते एक कथा मध्ये कहिछन्ते। आ वर्ष वर्ष धरी शासन करछि बीजेपी तथापि काहेकि ओबीसी संरक्षण निश्चिंत करि पारलेनि। ए प्रश्न रखिछन्ते प्राण प्रकाश दास। न्यायिक कटकणा थिबा सत्ते पंचायत निर्वाचन रे पछुआ वर्गरु दल अर्थात बीजेडी 40% प्रार्थी करिब एकता कहि बीजेपी मध्ये समान राजनीतिक अधिकार देउ एक कथा मध्ये से कहिछन्ते। ता छडा ओबीसी को नै राजनीति करा न जाउ सांविधानिक अधिकार प्रदान पई समस्ते मिलित प्रयास करबाकु से अपील मध्ये करछन्ते। याकु नै एक प्रकार युद्ध आरंभ जाइछि राजनीतिक युद्ध। किंतु जेतेले राज्य सरकार कहिछन्ते कि पंचायत इलेक्शन 40% दरकार पड़े 50% प्रार्थी दिया जाव रिजर्वेशन रे प्रार्थी दिया जाव ओबीसी प्रार्थी को दिया जाव ता सत्वे कहीं टणाअटरा कहीं युद्ध आई वार आपको नहीं आलोचना करवा ए प्रसंगे प्रकृत में राज्य सरकार तरफ कौन जवाब रही आपको नहीं बर्तमान राजनैतिक समीक्षक मैंने कौन आकलन करण को नहीं बर्तमान आलोचना होती प्रसंग को नहीं ये तंबी तोफान ए प्रसंगे आज आम आलोचना करवा डिबेट टाइम फोकस ओबीसी सीधासख प्रसंग में आलोचना करवा आम सहित जे गेस्ट अच्छा आसतु सहित प्रथम मुझर परिचय करदे तापर यह प्रसंग में आलोचना करवा आम सहित स्टूडियो बर्तमान जोड़े बीजेडी मुखपात्र लेनी महांती अच्छा श्री महांती आपको स्वागत डिबेट टाइम को आम सहित जोड़ी होती ललित मिश्र अच्छा राजनीतिक समीक्षक श्री मिश्र आपको स्वागत। प्रथम श्री महांती आपं आरंभ करी जो कहुई राज्य सरकार तरफ राज्य सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध 40% ओबीसी संरक्षण व रिजर्वेशन रे सीट जहाँ रही मिल एक कहुपर आप देखते ट्विटर वार आरंभ हो गोटे पटे आप देखिए आज बीजेपी तरफ अनेक प्रश्न उठा जा पचर कौन कारण आप देखते देखु ओडिशार बीजेपी रो अभ्यास होची अपतथ्य को तथ्य करिबा किंतु अन्य पटे विजु जनता दल रो सांगठनिक संपादक श्री प्रणव प्रकाश दास आमर नेता जो आज कहिले माने जो होल प्रोसेस रे जो ट्वीट वार रो मु तो मेन ट्वीट को परे जीवी कौन कहिले ना ओबीसी को नेइकिरी राजनीति करा न जाओ जोटा सबुठारु बड़ टेक अवे बोली आमे कहिबा। द्वितीय जिनस जोटा कहिले कौन कहिले ना आपणकर जदि दरकार पड़े 40% भाग 50% टिकेट आम ओबीसी को दबु बड़ कथा हूँ मान्यवर मुख्यमंत्री चाहती जोटा आमर सांगठनिक संपादक श्री प्रणव प्रकाश दास उक्ति रे ट्वीट को काउंटर करी श्री धर्मेंद्र प्रधान मान्यवर मंत्री केन्द्रमंत्री ट्वीट रे जो देते तार उत्तर रे अति शाणित भाव अति भद्र भाव कही एवं गोटे प्रश्न पचारे आपण तो मध्यप्रदेश रु जाई राज्यसभा को आपण मध्यप्रदेश रे काहेकि करि पारले नाही जदि एठी जोटा आपण कहुतिले वर्तमान एठी जदि एते तुम्बी तूफान करुचंती एते प्रश्न पचारुचंती जो राज्य आपण को सुजोग देइछि राज्यसभा को जिबा पाए से राज्य रे काहेकि हेई पारला नाही। किंतु प्रकृत क्षेत्र रे मैडम कोन हेइछि वास्तविक घटना कोन मार्च 10, 2022 रे सरीब एबेकार जो माने इलेक्टेड होती पंचायती राज व्यवस्था रे जो माने निर्वाचित होती कार्यकाल सरीब मार्च 10, 2022 रे नेचुरली सिस्टम जिम्ती नोटिफाई करिबा दरकार से नोटिफिकेशन प्राक नोटिफिकेशन सरी थिला फॉर्मल नोटिफिकेशन को अपेक्षारत थिला ए भितरे 6टी रिट पिटीशन फाइल हला मान्यवर हाईकोर्ट पाखरे मान्यवर हाईकोर्ट 2टी डिसीजन जोटा सुप्रीम कोर्ट देइछंती डिसेंबर 7 एवं डिसेंबर 17 रे डिसेंबर 7 रे महाराष्ट्र विषय रे उल्लेख अछि डिसेंबर 17 रे मध्यप्रदेश विषय रे उल्लेख अछि ताकु जो ओबीसी वर्गर जो संरक्षित सीट को सेठी संरक्षण करि परिबे नाही काहेकि ना से माने ट्रिपल टेस्ट फेल करचंती। किंतु ओडिसा क्षेत्र रे मान्यवर हाईकोर्ट कहिले जे आमरो एठी कमिशन बसी सारिछि कमिशन बसिला परे जो फंडामेंटली जो इयरमार्क करिबा कथा जे एतिकी रिजर्वेशन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन हबो बेली जोटा कहिबा कथा सेटा वर्तमान अपेक्षा करिचे एवं जोटा सबुठारु बड़ कथा 50 भाग रु ऊर्ध्व को जीवनी बेली जो कैपिंग अच्छी मान्यवर सुप्रीम कोर्ट करो
इंदिरा स्वाणी केस परे से कैपिंग को आपण ता उपरे ताकु डेंकिरि आपण लोकल बॉडी इलेक्शन रे जाई परिबे नै मैडम आपणकर मने थिबो मु अल्प समय खाली नेबी आपणकर मने थिबो जे किछि दिन तळे मानवर मुख्यमंत्री को निर्देश रे आमर समस्त सांसद देशर गृहमंत्री को भेटिकिरि अनुरोध करथिले जे आमे वर्तमान आपण तो ओबीसी संरक्षण विषय रे आमे चर्चा करूचे जो कैपिंग अछि 50% रो जोटा को दरकार गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल मूव गोटे दरकार आपण ता उपरे किछि करंतु आज पर्यंत मैडम आपण देखंतु ना सेंसस जो को सेंसस बेसिस रे आमे एंटायर खसड़ा तयारी करचू 1931 मसिया सेंसस आपणकर 2011 मसिया रो जो सेंसस हेतिला जोटा 2018 पर्यंत कहिले जे से सेंसस रो जा रिपोर्ट अछि ओबीसी रिलेटेड सेटा दिया हबो बेली राजनाथ सिंह जी आमर डिफेंस मिनिस्टर तांकर नेतृत्व रे गोटे कमिटी कहिला किंतु ता परवर्ती अवस्था रे 2020 मसिया रे कहउचंती जे जो सेंसस रिपोर्ट बेली कुहा जाउची 2011 रो सेटा वैध नुहे मैडम आपण भावंतु गोटे पटे कॉन्स्टिट्यूशनल मूव आपण लेबे नाही द्वितीय पटे आपण को पाखरे जो रहिबा कथा कास्ट सेंसस सेठी पुणी टिप्पणी दिया गला जे जेमती एससी एसटी कर जो अनुसूचित जाति जनजातिर जो कलम रहिब सेंसस रे सेटा रहिब अन्य कोनोसी कास्ट रो रहिब नाही बेली से माने निजे कहउचंती किंतु जेतोबले कथा हला कमिटमेंट रो कथा आपण खाली टिके देखंतु माननीय मुख्यमंत्री कर जो फोकस आउ कमिटमेंट अछि से कमिटमेंट समग्र भारत वर्ष रे नियारा एवं 5T प्रोसीजर रे जेतोबले इंप्लीमेंट करबा पई आमे जाउचु सेतोबले आमर नोटिफिकेशन रे ओबीसी को वर्गों को पई जो संरक्षण रहिबा कथा से संरक्षण रहिला किंतु आकुने प्रश्न उठै छेंते आपण देखि देबे बीजेपी तरफ रो आकुने मध्ये प्रश्न उठा जाय छि कि ट्रिपल टेस्ट कथा जे टी कथा कहबा ताकुने प्रश्न उठै छेंते से माने जेतोबले मु कहे कथा कि जेतोबले प्रक्रिया आरंभ होई छि आपण ओबीसी कमिशन गठन करछेंते तापर प्रक्रिया धीरे धीरे चालिबो किंतु महिला को क्षेत्र रे देखंतु राज्य सरकार संरक्षण देले एक क्षेत्र में मध्य देबे राज्य सरकार कहिछन्ति तालिका सार्वजनिक करबे किंतु आ परे मते प्रश्न उठेबा आकु राजनीतिक इशू करबा आपन को लागो छी कि जानी सुनी एभली भाबे करा छी राज्य सरकार को दोष दबो पई तो कोनोसी इशू नाही जोटा मु आपन को जो शुरू कली जो कथा किछि अपतथ्य को नेकरी तथ्य करबा को उद्यम होउछि एवं जणे ती जण व्यक्ति विशेष को से माने लार्जर देन लाइफ पोर्ट्रे करबा को चाहउछन्ति आमर कहिबार कथा मध्य प्रदेश केस रे मानेवर सुप्रीम कोर्ट कौन कहिले कहिले दैट ट्रिपल टेस्ट कथा नाइट डिस्पाइट द इलेक्शंस बीइंग अंडरवे द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स ऑर्डर डेटेड 17th डिसेंबर 2021 स्टेट द इलेक्शन प्रोसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ ओबीसी सीट्स इन ऑल द लोकल बॉडीज एंड फर्दर मैंडेटेड दैट सच सीट्स वुड बी रीनोटिफाइड एज जनरल कैटेगरी सीट मते आपण आमे बारंबार तांकु पचारुचु आपणकर शासित कोनोसी गोटी राज्य रे एपर्यंत आपण ओबीसी काउंट करिचंती कि खाली गोटे आपणकर गोटे पटे रहुची माननीय मुख्यमंत्री आभिमुख्य जे गोटे समतुल विकास हम गोटे विकास जोटी सबू वर्ग को तांकर राइट दिया अन्य पटे एठी जो भारतीय जनता पार्टी ओडिशा यूनिट अच्छी तांकर काम हला सबू अपतथ्य को तथ्य करने को चेष्टा करिबे जो से माने प्रत्याख्यत लोके तांकु ग्रहण करूनांती एवं जो प्रश्न भी पचारुचंती लोके तांकु थटा करूचंती प्रयास करूचंती ओके आम सहित अच्छा ललित मिश्र अच्छा राजनीतिक समीक्षक सी मिश्र आपंठू जानवा चाहिए आपड़ शुणुते कि आभिमुख्य रही वर्तमान विरोधी जो राज्य सरकार सीधा साल कही सारी कि 40% दरकार पड़े 50% रिजर्वेशन दिजाव ओबीसी को सार्वजनीन कर लिस्ट ता सत्वे ये प्रश्न उठेबा पछरे कौन कारण देखती कारण एमपी कथा आम आलोचना करचे जितेबाला केन्द्र सरकार का कथा आलोचना करचे से मध्य प्राथमिकता देना ओबीसी रिजर्वेशन को नहीं केन्द्र सरकार मध्य प्राथमिकता देना सेनसस कथा उठीला जितेबाला राज्य सरकार अनुरोध करते से गुरुत्व देना ये प्रसंग को आप कि देखते नमस्कार एटी जो फंडामेंटल क्वेश्चन पॉपुलेशन के ओबीसी पॉपुलेशन केते तांको जनसंख्या केते से कथाटा बारंबार सुप्रीम कोर्ट कहउछन्ति हाई कोर्ट माने कहउछन्ति जनसंख्या गोटे बेसिस नले रिजर्वेशनटा हेइ परियो नाही से जो आपण ट्रिपल टेस्ट कथा कहउछन्ति ट्रिपल टेस्ट रे गोटे हला प्रथम कथा आपण कमिशन करिवे से माने गोटे असेसमेंट करिवे तापर आपण सेकंड कथा हला आपण से माने रिकमेंडेशन करिवे थर्ड कथा हला सेइटा लिमिटटा 50% भीतर रहइबो अच्छा केंद्र सरकार ओबीसी एससीबीसी लिस्ट राज्य मान क्षमत नहीं गले 127 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मध्यम
ତାକୁ ପୁଣି ଅଗଷ୍ଟରେ ଏକୋଇଶ 2021 ଅଗଷ୍ଟରେ ତାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦେଲେ, ତାଙ୍କର କଣ ଦରକାର ଥିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ ପୁଣି ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ 2021ରେ ଫେରଉଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଯୋଉଦିନ ଫେରେଇଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଏମପି ବିଜେଡି ଏମପି ମାନେ ଯାଇକିରି ପୁଣି ହୋମ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ଦେଲେ, ସେଥିରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମ ଯେ ଓବିସି ଡାଟା ଦରକାର, ତେଣୁ ଓବିସି ସେନ୍ସସ୍ଟା ଆପଣ 2021 ସେନ୍ସସ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯୋଉଥିରେ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହେଇକି 39.5% ବା 40% ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏଠି 50% ଲିମିଟ୍ କ୍ୟାପିଂଟା ଆମ ପାଇଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଉଛି ଓବିସି ମାନଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ଏ ଦିଗରେ ଗୋଟେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଇନ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ସେମାନେ କହିଲେଣି ଯେ ଅଗଷ୍ଟ 2021ରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଗଷ୍ଟ ଭିତରେ ତ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ନା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଠି ଗୋଟେ ସେନ୍ସସ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବ ଓବିସି ଡାଟାଟା, ଓବିସି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ସେନ୍ସସ୍ରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବ ନା, ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଭଳିଆ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉଠି 40% ହେଇଯାଉଛି ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ପପୁଲେସନ, ଏଥିରେ କ୍ୟାପ୍ଟାକୁ ଆମେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ୍ୟାପ୍ଟାକୁ ଏକ୍ସିଡ୍ କରେଇକିରି 50%ଟାକୁ ଆମେ ବଢେଇକି ଅଧିକା କରିବା, କିନ୍ତୁ 50% ଏଇ ଦିଟା ଯାକ ଜିନିଷ ସେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ ବେସିସ୍ରେ ଯଦି ବିଜେପି ନିଜେ ଭୁଲ କରିବ ଏବଂ ବିଜେପି ନିଜେ କିଛି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଇନଟା କରୁନି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଇନଟା କରିଦେବେ କି ଏସବୁ କଥା, ସେନ୍ସସ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଦେବେ ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଥିରେ ରିଜର୍ଭେସନ କ୍ୟାପ୍ଟାକୁ 50% ଉପରକୁ ବଢେଇଦେବେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୋଟେ ଆଭିମୁଖ୍ୟ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଖାଲି ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କର ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଏବେ ଓବିସି ମନ୍ତ୍ରୀ ରଖିଦେଲେ, ଆର ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯିଏ ଦେଖିବେ ଏ ଗୋଟେ କଥା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଲଜିକ୍ ସବୁବେଳେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଥାଏ। ଯୋଉଠି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଠି ତାଙ୍କ ଲଜିକ୍ ଅଲଗା ଥାଏ, ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଲଜିକ୍ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଥାଏ। ଆମେ ଏମ୍ପିର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ, କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ବିଜେପି କଥା ମଧ୍ୟ ଉଠେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବେ ବି ଜାତିଭିତ୍ତିକ ରାଜନୀତି କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜାଣିଶୁଣି ଅଯଥାରେ ରାଜନୀତି କରାଯାଉଛି, ଜାଣିଶୁଣି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଯାଉଛି କାହିଁକି? ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏବଂ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ୱେଲଫେୟାର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏ ଦିଟାର ସବୁଠୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଯଦି କମିଟମେଣ୍ଟ କାହାର ଅଛି ସେ ହଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆପଣ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ରିଜର୍ଭେସନ 50% କରିବା, ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ 33% ରିଜର୍ଭେସନ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦିଅ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖିବା, ସେ ରିଜର୍ଭେସନ ଓଡ଼ିଶା ଆସେମ୍ବ୍ଲିରେ କରିବା, ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି କେମିତି ତାଙ୍କର ରାଇଟ୍ସ ପାଇବେ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଏନ୍ସିଓର କରିବା, ଆପଣଙ୍କ ଓବିସି କେମିତି ରାଇଟ୍ସ ପାଇବେ ସେମାନେ ଏନ୍ସିଓର କରିବା, କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତା ବାହାରେ ଗରିବ ଲୋକ କେମିତି ବି ପାଇବେ ନିଜର ରାଇଟ୍ସ ପାର୍ଥରେ ତାକୁ ଏନ୍ସିଓର କରିବା, ଏ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଯଦି ଭାରତ ବର୍ଷରେ କିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ନେତୃତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ତାହେଲେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯଦି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଯିଏକି ଏଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଫାଇଟ୍ କରୁଛି ସେଇଟା ହଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଏଥିରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ଏବେ ବି ଯୋଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତିକି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଅଛନ୍ତି 50% ଖଣ୍ଡେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏବେ ଓବିସି ଅଛନ୍ତି, ତ ସେତେବେଳେ ତ ଆଇନ କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇ ସତ କଥା ବି ସେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ 40-50% ସିଟ୍ ବି ସେମାନେ ଦେଇଦେବେ, ଟିକେଟ୍ ଦେଇଦେବେ ଓବିସିଙ୍କି। ଓବିସି କାର୍ଡ ଖେଳି ଜାଣିଶୁଣି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କି ବିରୋଧୀ, ଯଦି ବିଜେପି କଥା ଆମେ ସିଧାସଳଖ କହିବା? ନା ନା, ବିଜେପି ଲୋକଟା ଖାଲି କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତଥ୍ୟ ନ ଦେଇକିରି ନିଜର ଭୁଲ ଗୁଡାକ ଲୁଚେଇକିରି ଲୋକଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତମେ ଆଗ ସେନ୍ସସ୍ କର ନା, ଏତେ କାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ? ସେନ୍ସସ୍ରେ ତ ଓବିସି ମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ରାଜି ନୁହଁ, 2011 ସେନ୍ସସ୍ ଡାଟା ଦେଲେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଭୁଲଟା କୋଉଠି ରହିଲା? ସେଟା ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଓବିସି ମାନେ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରାଣପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ଟ୍ୱିଟ୍ ରହିଛି ସେଥିରେ ସେ ଗୋଟେ ଅପିଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓବିସି କଥା ତାଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବା ଦରକାର, ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ ମିଳିତ ଆହ୍ୱାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ସ୍ୱର ମିଳେଇବା ଦରକାର, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ବୋଧେ ସେମାନେ ଭୃକ୍ଷେପ କରିନାହାନ୍ତି ବା ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାଜନୀତି କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲି ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ଆପଣ ଆମର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣବପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 5T ପ୍ରୋସିଜିଓରରେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣବପ୍ରକାଶ ଦାସ ଯିଏ ଆମର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ, ତାଙ୍କର ଫୋକସ୍ ରହିଲା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପଲିଟିକ୍ସ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ହକର ବିଷୟରେ ଯେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ହେବ?
आज पर्यंत किए भावुला जे जो माने रास्ता कडर जे स्ट्रीट वेंडर जे माने कोविड समय रे अनेक लड़ई करी आम सांगे सामूहिक भाव 4.5 कोटी ओडिया जो मान्यवर मुख्यमंत्री कहते पर आम सांगे मिसिकी आम कोविड को परिहत करने चेष्टा करे विषय चिंता करवस्था करेंगे बोली कई भाभी कि आपण भावतु तो जो एयर सर्विसेस एयर मेडिकल सर्विसेस रो जो गला आपणकर उपांत जिला 4 जाक जिला मु तो अनेक माने जदि पछाडू आपण गणिबे मु तो मात्र 4 दिन रो कथा कहूची आपण जो एयर मेडिकल सर्विसेस रो जो व्यवस्था करा गला कोरापुट परी अंचल रे ए विषय रे किए केबे भाबितले कि नेचुरली एबे ओडिसार बीजेपी एमती तो प्रत्याख्यत एबे बिचलित हे जाइची जो इश्यू जोटा इन ललित भाई कहते आपणकर ओबीसी इश्यू रे आगो पावर नहीं गले राज्य मानक पुणी पावर फेरेदे कहले आईन बदलाओ आप जानते मैडम इवन आईन बदला जाइा पंचायत ल बिल जोटा अमेंडमेंट बिल ओडिशा म्युनिसिपल ल अमेंडमेंट बिल दुईटा मुव कर कहवा कथा आपण जहाँ आज आप कहते जहाँ आम सांगठनिक संपादक कहते जे वास्तव क्षेत्र रे आपण ओबीसी को नहीं राजनीति आमे करिबानी जदि इच्छा अछि आमे सामूहिक मूव करू मु तो कहूची जे आपणकर धर वर्तमान ये जो बीजेपी वाला मूव करिसेंती 23 तारीख गत काली मध्यप्रदेश असेंबली रे मूव करिसेंती जे ओबीसी वर्गर संरक्षण न हेले आमे निर्वाचन लड़बुनि काई ओडिसार बीजेपी तांकठारु किछि सिकुने ओडिशार बीजेपी तांकठारु कोनोसी जिंस ग्रहण करी मूव नौनांती से मूव नबार जु नै आपण मने रखितांतु मैडम जेहेतु वास्तव क्षेत्र रे दुईटी जाक विरोधी दल गोटे होची ओडिशार बीजेपी गोटे होची तार बी टीम ओडिशा कांग्रेस दुई जन जाकर अपतथ्य को तथ्य काही करूचंती काही ना साधारण लोकंक पाखरे से माने ग्रहणीय नुहंती एवं जेतोबळे लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोसेस माध्यम रे मान्यवर मुख्यमंत्री ग्रहणीयता बढ़ी बढ़ी चली जानी मैडम आमर जो लोकंर जो आशीर्वाद पांच थर जाक क्रमगत आपकी अटकी ना क्रमगत भाव बीजेपी बीजेपी पी प्रत्याखित जमी हूँ भारतीय जनता पार्टी ओडिशा यूनिट ओडिशा समपरिमाण में विजु जनता दल मान्यवर मुख्यमंत्री नेतृत्व में आमर किंतु गोटे चैलेंज हम कि आगे कारण जो प्रश्न उठाऊ विरोधी किभली तालिका प्रस्तुत हम किभली सार्वजनीन हम किभली संरक्षण देबे ए प्रश्न सब जोड़ी जाऊँगी देखो माननीय मुख्यमंत्री कथा आउ काम भितरे पूरा सामंजस्य अच्छी एई मो हाथ में गोटे डॉक्यूमेंट अच्छी ऑलरेडी डिक्लेयर हो सारा फ्रेश लिस्ट जोटा हाईकोर्ट पाखे कमिटमेंट अच्छी से हिसाब से आमर जो संरक्षण तालिका टी आज बाहरी सारी जेमती कहुई जे फाइनल लिस्ट जनवरी 8 सुधा बाहर से तारीख मध्य सीधा से ही बाटे ही जीव किंतु कथा हूँ आमको व्यवस्था उपरे विश्वास रखा पड़ो आमको आमर कर जो लीगल सिस्टम उपरे विश्वास करिया को पड़ो आमर लेजिस्लेटिव प्रोसेस उपरे विश्वास कर आपण मैडम कहतु जो गोष्ठी कि जो वर्ग किंवा जो पॉलिटिकल पार्टी ना तांकर लेजिस्लेटिव प्रोसेस उपरे विश्वास अछि ना तमर तांकर जुडिशियल प्रोसेस उपरे विश्वास अछि ना लोकंक भितरे ग्रहणीयता अछि नेचुरली प्रत्येक जगार आपण भावंतु तो मु आपणकु 6 मासर माननीय मुख्यमंत्री नेतृत्व में जो 5T रो डेवलपमेंट थ्रस्ट विषय कही चली आदि आज कहवा आरंभ करवा सर ना संध्या कितु अंपटे आपड़ देखु अंपटे विरोधी दल देखु मोडस अपराइटा केमती केवल अपतथ्य को तथ्य बेली कहकर चित्कार जिते कले भी लोके ग्रहण कर किंतु दिने महिला क्षेत्र में सामान स्वर देखी किंतु राज्य सरकार भूल प्रमाणित कले प्रतिश्रुति बद्धता अच्छी प्रमाण करले ए क्षेत्र में स्थिति हम ए क्षेत्र में तो आप निजे देखुं ओबीसी वर्ग विश्वास करती राज्य सरकार को उपरे ओबीसी वर्ग विश्वास करती जे जहाँ माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं आज आउ थे आम सांगठनिक संपादक श्री प्रणव प्रकाश दास क्लारिटी कहते दरकार पड़े 40 रु 50 भाग रिजर्वेशन अदर बैकवर्ड क्लासेस को निश्चित भाव जो जोटी आवश्यक सिटी दिया दिज्व आमर कहार कथा गोटे
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस गोटे संविधान रो गंडी भितरे हमकु रहिबाकु पड़िबो आपण मते कहंतु तो 50% जो कैपिंग उपरे आपण चिंता करिवे नाही किंतु आपण जेमती सब वर्ग को नेकरी राजनीति करूचंती ओबीसी को भी नेकरी राजनीति कले जोटा परवर्ती अवस्था रे आपण प्रत्यक्ष थेले तार कोनोसी माने नाही आपण साधारण लोकक संगरे खेलंतु नाही सेति कि केवल हमर ओडिसा बीजेपी को अनुरोध किंतु आपण एतिके मने रखि थांतु आपण जेमती आज ये नोटिफिकेशन बाहर लानी निर्वाचन भी सुरखुर रे हबो लोके पूर्ण आशीर्वाद करिवे माननीय मुख्यमंत्री को श्री मिश्रा किबले देखंती ए युक्ति को किबले देखंती जहां श्री महंती कहउचंती देखंती एथिरे गोटे सबुठ इंपोर्टेंट जिनसे आपण देखंती मु बारंबार कहउची से माने जदि पूर्ण 2021 सेंसस त लेट हेजी कोरोना जको से सेंसस रे जदि पूर्ण माने ओबीसी रखबे नै ओबीसी सर्वे पुणे कन्फ्यूजन चलो कमिटमेंट मुझी जदि केन्द्र सरकार बीजेपी सरकार ये सेनसस ओबीसी डाटा रखिले सर्वे रखिले बीजेपी केन्द्र सरकार कमिटमेंट रही ओबीसी प्रति जना पड़े भारी क्लीयर ना कि हम कन्फ्यूजन पुणे चलो द्वितीय कथा बहुत गोटे देखते बीजेडी गोटे डिफरेन्ट टाइप रल गोटे यूनिक दल भारत बर्षे जे कि जाति धर्म आंचलिक उग्र आंचलिक राजनीति करनी जो माने कास्ट बेस्ड रीजनल पार्टी अच्छा उत्तर प्रदेश रे से माने कास्ट पॉलिटिक्स कले से कास्ट पॉलिटिक्स करके आज उत्तर प्रदेश डिविजन हो गला तार किसी डेवलपमेंट हो जो माने धर्म नार राजनीति करते धर्म नार राजनीति भी कले स्टेट रे किसी डेवलपमेंट है गरीब लोक से उत्तर प्रदेश बिहार एग्जाम्पल्स ओडिशा गोटे राज्य जो थे कि ए टाइप पॉलिटिक्स कास्ट और रिलीजन पॉलिटिक्स जब से धर्म और जाति पॉलिटिक्स सृष्टि करेंगे भर्त करेंगे से सफल हे देखते आपंकर मेन जिनस ये सब लोक देहब से दौना 33% रिजर्वेशन बीजेपी देला महिला मान को लोकसभा बीजेपी देलानी कांग्रेस देलानी के मना करते दोषारोप कर उत्तर देवा पड़ो जहां प्रणव प्रकाश दास पचार मतामत भी उभय तीस लक्ष घर राज्य सरकार मांगुचन से घर टा कहार ओके सेने ओबीसी घर नो ठीक अछि कोन कहबे श्री मंती 30 लक्ष घर आपण दो नांती सेटे चावल उष्णा चावल नो नांती एटा कहार लागुच जो जो इच्छा रही जो भितर आंतरिकतार अभाव रही भी राज्य सरकार को दोष लदुचार राज्य समस्त बासिंदा प्रत्येक नागरिक एक समस्त बुझे जवाब देवे कौन उत्तर रखे भावतु मैडम पश्चिम ओडिशा एवं भुवनेश्वर कन्स्टिट्युएन्सी 8 जन लोक को निर्वाचित करी पठेले पार्लियामेंट को मैडम आपण थरे कहंतु तो आज पर्यंत जेबेठू निर्वाचित होकरी पार्लियामेंट रे जाई पहुंची चंती ओडिशा पाई पदुटीए कहिचंती कि मोर काई जानता रे आज पर्यंत ओडिशा रो इटा आवश्यक बेली पदुटीए कहि पारनांती से स्पेशल फोकस स्टेट उपरे हो से कोल रॉयलिटी उपरे हो से आपणकर फनी प्राकृतिक विपर्य कथा तो माननीय मुख्यमंत्री तो मैग्नानिमस इनफ थिले जे मु देशर गोटे अंश विशेष जदि एबे जेतु चली कोरोना मु माननीय प्रधानमंत्री को कोनोसी असिस्टेंस पई मु मागी भी नाही बेली एकमात्र मुख्यमंत्री जे कहिचंती किंबा आपण पीएम आवास योजना माध्यम रे जो घर पाइबा कथा किंतु अन्य पटे आपण देखंतु तो केही भाभी थिले कि जे पीएम आवास योजना माध्यम रे जो घर आमर प्राप्य एवं आमर योग्यता अछि से लोकंकर योग्यता अछि आमे जेतबेले तांकठारु मागिचु आज पर्यंत से जिनस मिली पारला नाही किंतु आपण देखिले माननीय मुख्यमंत्री जेतबेले घर भंगार असिस्टेंस दबाकु पड़िला जो माने सबु मेरिट रे पाइचंती तांको पाई मध्यम व्यवस्था करा गला जे आपणक पाई मु अछि आपण चिंता करंतु नै से क्षेत्र रे जहां आमे चर्चा करूतिले ओडिसा गुटे एमिति जागा जोठी सबु वर्ग सबु धर्म समस्तंकु सम्मान दिया जाय गोटे ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स जोटा आम कहे कि ट्रांसफॉर्मेशन रो जुगो चली
ए प्रोसेस रे आमे एतिके जानिचू आ एटा थय मध्य जे ओबीसी वर्ग मध्य जहां को नैकिरे बीजेपी ओडिसा चाहूची किछि राजनीति करबो किंतु एटलीस्ट आकु नै राजनीति करा न जाओ जेतु समय अपील करचुती हमर संगठनिक संपादक जे ओबीसी को नैकिरे राजनीति न करा ओडिसा बीजेपी राजनीति न करू। आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद लेनिन महंती थिले बीजेडी मुखपात्र ललित मिश्र थिले राजनीतिक समीक्षक आमे आलोचना करलु वर्तमान ओबीसी को फोकस रे रखा जायछि ताकु नै राजनीति करछंती विरोधी माने बीजेपी कथा आमे उठेबा किंतु प्रश्नर उत्तर राज्य सरकार दे सारी जो प्रतिश्रुतिबद्धता कथा कहते महिला क्षेत्र में देखागला ओबीसी क्षेत्र में राज्य सरकार कही देखे सीधा सड़क उत्तर रखी सारी पालटा जवाब दे सारी समय सर डिबेट टाइम को रखा नमस्कार।